जो प्यारे होते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, जो इस दुनिया से जा चुके होते हैं, हम उनके लिए पूजा पाठ करते हैं, और मतलब के पाठ वगैरह भागवत गीता का पाठ वगैरह करते हैं। तो आजकल जो है हमारे श्राद्ध चल रहे हैं, तो अभी हम तैयारी करके जा रहे हैं उधर कब्रिस्तान में, जहाँ पर मेरी माँ को दफनाया गया है। तो हम जाएंगे और उसकी समाधि पर जो है मिट्टी देंगे। अच्छा, तो कल जैसे मैंने वीडियो डाला था ना, कल के व्लॉग में, तो काफ़ी लोग मुझे ये बोल रहे थे कि हरचंद भाई, सनातन धर्म में तो जलाया जाता है और आप जो है दफनाते क्यों हैं, ठीक है ना। तो भाई साहब, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हमें जलाने नहीं दिया जाता, बल्कि जलाना दिया जाता है, और कराची वगैरह में जलाया जाता है, लेकिन हमारे इधर जो है ज़्यादातर दफनाया जाता है। हेलो, नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग जी। तो दोस्तों, ये देख लें, अभी भी मैं घास काट कर आया हूँ जी, दूसरे अपने खेतों की तरफ। पहले मैं दूसरे खेतों में घास काट रहा था जी। तो अभी दोस्तों, मैं आप लोगों को आज ये दिखा दूँ, सुबह सुबह का टाइम है, और यहाँ पर पहले ना मैंने एक व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था ना, कि यहाँ पर हमने मकई लगाई थी और मकई में जी पानी पड़ गया था, ठीक है ना। अच्छा जी, तो मकई में पानी पड़ गया था, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मकई में पानी पड़ गया है, जिसकी वजह से जो है अब इसका होना थोड़ा मुश्किल है। तो तकरीबन हमने एक हफ्ता पूरा उसका वेट किया कि निकलेगा, लेकिन नहीं निकले, ठीक है ना। तो कल जो है फाइनली इसके अंदर हमने हल चला दिया है, और हल चलाए और फिर भी इसके अंदर जो ये देख लें पानी आ चुका है, ठीक है ना। तो मतलब कि अब देखेंगे, फिर जो है थोड़ा सा इसका वेट करेंगे, जब ये सूखेगी तो फिर इसके अंदर जो है हम हल चलाएंगे और दोबारा से, और इसके अंदर जो है नई फसल लगाएंगे। तब तक जो है हम लोग इसका वेट ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं जी। आज का व्लॉग शानदार होने वाला है, तो आप लोगों ने पूरा एंड तक देखना है, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना है जी। और सुबह सुबह के वक्त ही भाई साहब सूर्यदेव जो है ना काफ़ी ज़्यादा तपस दे रहा है, ठीक है। आज तो मुझे ना इसके अंदर से जाना है, और मेरे पाँव जो है ना एकदम से गीले हो चुके हैं पानी से, ये देखें। अब जैसे मैं इसके अंदर से जाऊंगा ना, पाँव पूरे तरीके से मिट्टी से भर जाएंगे, ठीक है। इस तरफ मेरा गांव है जी, गांव का नज़ारा देख लें आप। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं अपने घर की बैक साइड पर, ये बैक साइड वाले हमारे खेत हैं, और यहाँ पर हम काट रहे हैं जी घास, ठीक है ना। ये देख लें जी, ये कपास है और ये घास है बाजरा, ये बाजरा, और बाजरे के अंदर भी काफ़ी सारा घास है, तो हम ये काट रहे हैं जी। ये वाला जो है ये मेरे भाई ने काटा हुआ है, तो वो उसका होगा, और हम अपने लिए काट रहे हैं, मैं और रोहिला, ठीक है। और ये है हमारे घर की बैक साइड, ये हमारे घर की बैक साइड है, और ये बैलें देख लें जी, ये बैल जो है ना काचरों की बैलें हैं ये, ठीक है ना। काचर जो होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ी हुई है, ये देख लें जी, बहुत ही खूबसूरत भी लग रही है यहाँ से। तो यहाँ से भाई काट रहे हैं जी, और बहुत मुश्किल तो नहीं काटना, नहीं। अच्छा है, अच्छा है। तो यहाँ से जी हम काटेंगे जल्दी, ये बाजरा नहीं है, सॉरी, ये है ज्वार, ठीक है ना, मैंने गलत बोल दिया, ये ज्वार है जी, ये देख लें जी, ये ज्वार, वैसे ज्वार को काट रहे हैं अभी हम जी। तो गाइस, अभी काम वगैरह करके आ चुके हैं जी, जो भी करना था, पसीना देख लो यार, एकदम से ना भर चुका है हाथ, ये देख लें जी किस तरीके से हो चुके हैं हाथ हमारे, ठीक है ना, एकदम से ना मतलब कि पानी ही पानी हो चुका है, इतना ज़्यादा पसीना आ गया ना सुबह सुबह भाई साहब, इतना ज़्यादा पसीना निकल गया है, ये देख लें। ये सारा कुछ काट कर अभी हम लेकर आए हैं, दो जने थे हम लोग, और ये काट कर लेकर आए हैं, ठीक है ना। जानवर हमारे ये है, इन सब के लिए है। हाँ, ये थोड़ा कम है, मतलब कि पहले जो हम कुछ ज़्यादा काटते थे, लेकिन आजकल जो है ना, आजकल जो है घास की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से हम थोड़ा काटते हैं, कुछ तूड़ी भूसा वगैरह जो होता है वो भी डाल देते हैं, और मतलब इस तरीके से जो है गुजारा चल रहा है, लेकिन पहले जो हम काफ़ी ज़्यादा काटते थे, ठीक है ना। और ये देखो, आजकल जो है इनके लिए बेचारा नहीं है इतना ज़्यादा, ये जो है ना घास पक चुका है, तो पका हुआ घास जो है ये नहीं इतना खाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल जिस चल रहे हैं हमारे श्राद्ध, तो सनातन धर्म में क्या होता है कि जैसे ही हमारे श्राद्ध स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं, हमारे जो प्यारे होते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, जो इस दुनिया से जा चुके होते हैं, हम उनके लिए पूजा पाठ करते हैं, और मतलब के पाठ वगैरह भागवत गीता का पाठ वगैरह करते हैं, और जो हमारे यानी कि जो दफनाए होते हैं, जो पाकिस्तान में हम दफनाते हैं, ठीक है ना, हम कब्रिस्तान में जाते हैं और दफनाए होते हैं, उनकी कब्रों पर उनकी जो समाधि होती है, हम कहते हैं समाधि, ठीक है ना। कब्र जो है वो उर्दू का लफ्ज है, लेकिन हम अपने जो सनातन धर्म में जो हम समाधि कहते हैं, हम जो उसकी समाधि को जाते हैं जी, और जाकर लेपा देते हैं, मिट्टी इधर से बनाकर लेकर जाते हैं और लेपा देते हैं, ठीक है ना। तो आजकल जो है हमारे श्राद्ध चल रहे हैं, तो अभी हम तैयारी करके जा रहे हैं उधर कब्रिस्तान में, जहाँ पर मेरी माँ को दफनाया गया है। तो हम जाएंगे और उसकी समाधि पर जो है मिट्टी देंगे। अच्छा, तो कल जैसे मैंने वीडियो डाला था ना, कल के व्लॉग में, तो काफ़ी लोग मुझे ये बोल रहे थे कि हरचंद भाई, सनातन धर्म में तो जलाया जाता है, और आप जो है
दफनाते क्यों हैं, ठीक है ना। तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हमें जलाने नहीं दिया जाता, बल्कि जलाना दिया जाता है और कराची वगैरह में जलाया जाता है, लेकिन हमारे इधर जो है ज़्यादातर दफनाया जाता है। और ये हमने कई बार हमारे इधर के जो पंडित वगैरह हैं उनसे भी हमने ये सवाल किया है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, तो उन्होंने भी हमें यही बताया है कि जलाना और दफनाना और ये जो है हमारे दोनों ही सनातन धर्म में हम जला भी सकते हैं। एक होता है जी मुझे यार याद नहीं आ रहा, एक जलाया भी जाता है, दफनाया भी जाता है, और पानी में भी हम बहा सकते हैं, ठीक है ना। वो कह रहे थे पानी में भी हम बहा सकते हैं और जंगल में किसी जगह पर हम रख सकते हैं, ये वसाइल के सर पर, ठीक है ना। जो हमें वसाइल मिले हम अपने वसाइल के ज़रिए जो कर सकते हैं। अगर आप किसी जंगल में बैठे हैं, आपके पास लकड़ी वगैरह नहीं है, ना दफनाने के लिए कुछ चीज़ है, ना पानी है, तो आप जो है उसको जंगल में भी रख सकते हैं, उन्होंने मुझे ये बताया था, ठीक है ना। अगर आप मतलब के ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर लकड़ी वगैरह नहीं है तो आप उसको दफना सकते हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर पानी नहीं है, जंगल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ सॉरी पानी है, ठीक है ना, पानी का समुद्र है, तो हम उसमें बहा भी सकते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है, ठीक है। तो दोस्तों ये मिट्टी हमने बना ली है जी, इसके अंदर भूसा वगैरह भी मिला लिया है, ये देख लें जी। और अब इसको हम ला देंगे इसके ऊपर लाद कर जो है जाएंगे, ठीक है ना। 3-4 जने हैं हम तो जा रहे हैं जी, और पानी वगैरह का उधर बंदोबस्त है, तो जो गारा होगा गारे के लिए मिट्टी यहाँ से लेकर जा रहे हैं, और गारा जो है वहाँ पर जाकर हम बना लेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि वहाँ पर पानी वगैरह का बंदोबस्त है तो हम बना लेंगे, बाल्टियाँ वगैरह 2-3 ले जाएंगे, एक कस्सी जो होती है वो भी हम लेकर चले जाएंगे साथ में जी। तो फ्रेंड्स अभी हम जो समाधि थी उसकी लिपाई करके आ रहे हैं, और वहाँ पर मैंने व्लॉग नहीं बनाया, वो इसलिए नहीं बनाया कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे हिंदू भाई आए हुए थे अपने प्यारों की कब्रों की लिपाई करने के लिए, जिस वजह से सारे मुझे वो जानने वाले थे, सारे पहचानने वाले थे, तो मैंने भी लोग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फिर लोग जो है ना बातें बनाते हैं कि जी अभी जुमा हफ्ता नहीं हुआ है इनकी माता जी गुजरे, और ये देख लें जी व्लॉग बनाने लग गया है, ठीक है। तो फिर मैंने इसलिए वजह से उनके सामने जो व्लॉग नहीं बनाया है, वरना आपको कब्र वगैरह भी दिखा समाधि है वो दिखाता, हाँ किसी और दिन मैं जाकर दिखाऊँगा, ठीक है। अभी मैं पैदल जा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो है भाई ये सवारी ख़राब हो चुकी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना मुझे बहुत ज़्यादा है रहा है, काफ़ी देर से हम लोग खींच कर लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या मतलब बन गया, चलते चलते ना ये बंद हो चुका है, ये देख लें जब केक वगैरह मार रहे हैं, तो अभी हम लेके जाएंगे इसको मकैनिक के पास, काम तमाम होगी, इस तरीके से धक्का धुक्का दे के ना लेके जा रहे हैं बनवाने के लिए जी। तो फ्रेंड्स अभी काफ़ी देर मैं लेट गया था और भाई साहब नींद भी आ गई थी, तो अभी मुझे लेकर जाना है जी गेहूँ गंदम, ठीक है ना। ये गंदम इसके अंदर रखी हुई है, तो मैं इसको चक्की पे लेकर जाने वाला हूँ, तो हम यहाँ से जी उठाकर पिसवाने के लिए लेकर जा रहे हैं जी ये, ठीक है ना। ये ना इसके ऊपर ये तरपाल वगैरह इसलिए हमने रखी हुई है क्योंकि हमारी ये काफ़ी सारी बकरियाँ, तो दरअसल हमारे भाई साहब काफ़ी सारी बकरियाँ हैं, तो बकरियाँ जो है फिर भाई इसको ख़राब करती है, और जो बोरा है बोरे को भी फाड़ देती है, ठीक है ना। इसी वजह से जो है हम लोग इसके ऊपर तरपाल रखकर, तरपाल और इस तरीके से पत्थर वगैरह रख देते हैं ताकि हमारी जो गंदम है वो सेफ रहे इस तरीके से, ठीक है। ये काफ़ी भारी है ये भी, इसके अंदर वैसा पेट्रोल नहीं है, तो अब पेट्रोल जो है हम कहाँ से लेंगे। पेट्रोल जो हमारे रक्षे में पेट्रोल मैंने डाला हुआ था, इसके अंदर जो है इसके अंदर पेट्रोल काफ़ी सारा मैंने डाला था पेट्रोल पंप से लेकर, ठीक है ना। हम गए थे ना जब उधर, तो इसके अंदर काफ़ी सारा पेट्रोल डाल दिया था, ये देखने की आवाज़ आ रही है, तो इसके अंदर हम निकालेंगे क्योंकि ये बहुत ही कम हम इस्तेमाल करते हैं, जब कहीं पर आना या कोई सामान वगैरह लाना होता है तब इस्तेमाल करते हैं। ये बोतल भी इसके नीचे स्पेयर इसीलिए रखी होती है, पेट्रोल निकालना वगैरह पड़ता है ना। काफ़ी दिन हो चुके हैं हमने ना अपनी बाइक की ना सर्विस करवाई है ना इसको साफ़ किया, ठीक है ना, जिसकी वजह से भाई इतनी ना धूल मिट्टी इसके ऊपर जम चुकी है। दरअसल ये मसला ये बन गया कि तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया जी भाग दौड़ इधर उधर जो है ना जाते हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है कि हम इसकी सफाई वगैरह भी करवा दें या इसकी हम खुद ही सफाई कर लें या सर्विस करवा दें। जिसका दिल चाहता है भाई साहब इसके ऊपर चढ़ता है, क्योंकि मेहमान वगैरह बहुत ज़्यादा आते थे, बाइक हमारे पास 2 थी, तो ज़्यादातर जो है ना इसी को बेचारी को स्पीड मिली है, ठीक है ना। ये देख लें जी डंट भी इसकी टैंकी के ऊपर डंट भी पड़ चुका है, और मिट्टी देख लें यार कितनी मिट्टी है, ये देख लें भाई साहब कितनी मिट्टी चढ़ चुकी है। तो इससे ना मैंने ये सोचा है अभी सर्विस करवाने का तो टाइम नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं खुद ही जो है ना हाथ से सफाई कर लेते हैं, क्योंकि भाई साहब ये जो मिट्टी है ना हमारे इधर की जो मिट्टी ये जंग लग जाता है इससे ना, तो मैं अभी इसकी पहले सफाई कर लेता हूँ फिर जो है हम चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से लेना था हमने कुछ सामान घर के लिए, तो साबुन वगैरह और सर्फ ली है जी,
ये है जी सरफ 100 रुपये का पैकेट है, ये बोनस कंपनी का है, और 250 रुपये किलो साबुन दिए बाबा जी ने। ये किलो का पैकेट कितने का है बाबा जी? 100 रुपये किलो है। ये सस्ता वाला आधा किलो है, 200 रुपये किलो है, तो ये तकरीबन ठीक पड़ जाता है। ये कितने पैसे बन गए टोटल? 600 रुपये। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो हमने भाई ये रेगुलर कोक ले ली है जी, ये 50 रुपये की, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा ये ठंडी है यार, महंगाई ना काफ़ी ज़्यादा है भाई साहब। तकरीबन 650 रुपये का हमने सामान लिया आज, 600 रुपये का राशन आ गया है और 50 रुपये की मैंने कोक पी ली है, ठीक है ना। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन आजकल कोक पीनी पीनी चाहिए। आजकल मौसम दोस्तों इतना ज़्यादा भाई साहब ख़राब है ना, अगर बंदा कोई ठंडा पानी पी ले या कोक पी ले ना, उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक ही उसकी तबीयत जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, हेल्थ उसकी जो है ख़राब होना शुरू हो जाती है। बुखार, चिड़चिड़ापन, ये सारे कुछ जो है ना, ये लक्षण जितने भी है वो सब आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो आजकल जो है ना कोक और ठंडा पानी जो है अवॉइड करना चाहिए। रास्ते भाई साहब टूटे फूटे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं तो भाई नीचे जा रहा हूँ रास्तों से बचने के लिए, ठीक है ना। जंप वाले रास्तों से बचने के लिए ना मैं तो भाई साहब अपनी गाड़ी को नीचे कर जा रहा हूँ, इस तरीके से देखना है भाई साहब। दोस्तों ये वाली जो रोड है ना हमारे इधर, पता है क्या कहता है इस रोड को? कहते हैं ये है लावारिस रोड, ठीक है, लावारिस। इसका कोई वारिस ही नहीं है साला, इसका कोई वारिस है नहीं तो इसको कोई बनाता ही नहीं है, तो इसे लावारिस रोड कहते हैं। ये मैंने जब से होश संभाली है ना, मैंने इस रोड को ऐसे ही देखा है बिल्कुल जी। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं जी घर, और अभी जा रहे हैं खेतों में थोड़ी भूसा उठाने के लिए। और यहाँ पर हमारे नरमे का खेत देख सकते हैं जी, कपास, ठीक है ना, कपास देखना जी निकली हुई है इस तरीके से, ये देखना जी। तो हम यहाँ से उठाएंगे थोड़ी सब्जी लगी हुई है ना, काफ़ी दिनों के तोड़ी नहीं है ना, ये देखना वो वाला परला वाला देखना। हाँ ये पक चुकी है भाई साहब, ये देखना ये पक चुकी है और ये कच्ची लगी हुई है, ठीक है ना। देखना थोड़ी अभी मैं टमाटर मिर्चें जो है 50 रुपये किलो घर आया हूँ भाई मार्केट से, और यहाँ पर हमारे घर की सब्जी भी लगी हुई है। ये देखो ये बच्चा है नन्ना मुन्ना। हाँ काफी सारी सब्जी हमने इधर ना लगाई हुई है, देखना जी ये बेल तुरी बहुत बढ़िया यहाँ पर, और दूसरी तरफ भी काफी सारी लगी हुई है, ठीक है ना। ये देखो सारी सब्जी, ये देखना जी इस तरीके से जो है लटक रही है, ये भी किसी की नजर नहीं चढ़ी है, नजर चढ़ती ना तो ये देख ली, यहाँ पर भी लटक रही है, ये देखना जी अभी किसी की नजर नहीं चढ़ी, अगर नजर चढ़ेगी ना तो नहीं बचेगी, हो जाएगी ये पकाने की सब्जी ना, एक टाइम की हो जाएगी, ठीक है। ना ना तोड़ी, बस ये कह रहा है दिखाने के लिए तोड़ देते हैं, तोड़ने नहीं फायदा नहीं, नहीं यार वो कर ले जानी है ना, नहीं टाइम नहीं है, काम करते हैं जल्दी करें। ये हमारी टिकन पे आएगी, ये देख लीजिए ये डाल लिया है जी इतना सारा भूसा, ये एक टाइम का होगा, ये कितने टाइम डालेगा, एक टाइम दो टाइम? एक टाइम, ये एक टाइम घास थोड़ा है ना, हम दिखाएंगे वीडियो जब हम पानी में इसको लगा के आपको दिखाएंगे कैसा होता है, घास थोड़ा है ना तो आजकल ये ज्यादा डालते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो ये हमारे सिर पे आएगी, पहले ये काम निकाल लेते हैं फिर जो व्लॉग बनाएंगे। जैसे ही हमारे इधर 4 बजते हैं ना तो हमारा जो है जानवरों का टाइम शुरू हो जाता है, और हम जानवरों का काम जो है शुरू करना काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। 4 बजे हमारा राइट टाइम होता है, हम जानवरों को बाहर निकालते हैं। ये देख लो दोस्तों भाई इस तरीके से इसको तकसीम किया जाता है, मिक्स किया जाता है, ठीक है ना। मैंने वो ये वाली बंदर जो मैंने कर ली है, ये हाँ देख लें मेरे किस तरीके से हो गया है, क्या भोंग रहे हो। अब हम इसके अंदर लाएंगे आटा, दलिया, ठीक है ना। ये पानी के कैन भर भर के इसके अंदर डाल रहे हैं, अब हम करेंगे जी इसके अंदर आटा मिक्स और फिर ये खा जाएंगे। काफ़ी सारा इसमें ना दलिया मिक्स करना पड़ता है, वो बारीक दलिया होता है ना, मतलब बारीक सा होता है, आटे की तरह ही होता है, वो मिक्स करना पड़ता है काफ़ी सारा तादाद में, ठीक है ना। तो फिर जो है वो बड़े शौक से खाते हैं, उसके ऊपर हम डाल देंगे ना। ये देखना जी ये है तसला, ठीक है, हम एक तसला भर कर सबको मिक्स कर देंगे। ये खाने वाला आटा है, हम खाने वाला आटा नहीं डलाएंगे, उसका आटा अलहदा बनवाया है हमने, ठीक है ना। गतावे का जो आटा था ना वो अलहदा बनवाया हुआ है, ये दूसरे रूम में हमने रखा हुआ है जी, इस वाले रूम में, ठीक है ना। यहाँ से अभी निकालते हैं ये आटा जी, जानवरों का आटा, ये देखना जी अभी कुछ बकरी, ये काम जो है ना भाई बकरी का है। बड़े जानवर तो हम निकाल कर आ गए हैं, अब जो जी रहेगी हमारी ये बकरियां, ठीक है ना। बकरियों का टाइम भी हो चुका है तो बकरियों के लिए ये देख लीजिए कितना सारा माल मिक्स किया जा रहा है। इसके अंदर गेहूं भी डाली जाएगी,
बकरे हैं कि मासे बांध दी बकरियां बजाने और कुत्ता वो खा लेने पास है वो बांध दी और कुत्ता वो खा ले। काफ़ी सारे लोग पता है क्या कहते हैं कि हर भाई आप ना बड़े हाई लेवल पे जो है गोट फार्मिंग करो ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बकरियां पालो, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान में ना जानवर पालना पशु पालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल इजी काम नहीं है ठीक है ना, इसके लिए भी खर्चा खिलाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होना चाहिए आपके पास, बहुत सारा घास होना चाहिए, घास फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, ज़मीन होनी चाहिए तब जाकर ये काम होता है ठीक है ना। तो वैसे हमने तो भाई गिनती के कुछ हमने तो गिनती की कुछ बकरियाँ रखी हुई है, ये एक वो दो बकरियां हैं, ये बकरा है एक, ये दो और वो बाला बकरा तीन, ये तीन बकरे रखे हुए हैं ठीक है ना, इस तरीके से है। तो हम मतलब कि ये इसलिए हम रखे हुए हैं कि घर का जो भी मतलब काम काज होता है साथ साथ इनको भी हम संभाल लेते हैं, जो बड़े पशु हैं मतलब के गायें हैं और भैंस गायें भैंसें वगैरह हो गई है उनको भी तो हम संभाल ही रहे हैं, तो हमने सोचा भाई हम कुछ बकरियां भी थोड़ी सी रख लेते हैं साथ ही साथ ये भी संभाली जाएंगी ठीक है ना, इसलिए हमने ये चार पांच बकरियां रखी हुई हैं। वैसे हम थी हमारे पास एक ही बकरी ठीक है ना, इनकी पहले पहले जो है इनकी माँ थी, तो हमारे पास उसका मैंने सर्दियों में आई थिंक व्लॉग बनाया था ठीक है ना, तो अभी वो बीमार हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा, तो अभी तकरीबन 2 महीने पहले ही हमने उसको बेच दी थी, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी, तो इनकी इन सब की वो माँ थी भाई ठीक है ना। अच्छा तो उसी के ये सारे बच्चे हैं, ये देख लें कितना सारे हो चुके हैं, अभी हमने 14,000 रुपये की ली थी वो वाली जो बकरी है ना भाई, हमने ली थी 14,000 रुपये की, और आज देख लें जी उसका परिवार कितना ज़्यादा बड़ा बढ़ चुका है एक ठीक है, और अभी वो जा चुकी है दुनिया से भी, आई थिंक वो दुनिया से जा चुकी होगी। ये गेहूँ है ये भी हम इसके अंदर डालेंगे, ये क्या साफ नहीं क्या दिखाना वो मरी नहीं, ये ठीक है बस ठीक ओके डाल दीजिए, ये देखना जी ये भी। तो दोस्तों इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर दी एंड, मिलते हैं हम एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, और अगर आपको इस व्लॉग से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम ज़रूर आंसर देंगे उसका ठीक है ना। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।